मैंने जब भी कोई धुन बनाकर आशा को सुनाई उन्हें बहुत जल्दी याद हो गई। सिंगर में ये बहुत बड़ा गुण है, सब कुछ गा सकना आशा के वर्सेटाइल होने का प्रूफ है। वॉइस कंट्रोल ऐसा है कि गीत की एक लाइन में यह हस्की वॉइस से भी गा सकती है और उसी में जोर से चिल्ला भी सकती है। बर्मन साहब ने कहा चलो जल्दी रिकॉर्डिंग करो। तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी बहुत करीब रहे, बहुत शुरू से। मेरे पिताजी तो बहुत श्रद्धा करते थे और सचिन भी बहुत प्यार करते थे। बिल्कुल। अभी देखो एक अजीब बात, अभी किशोरदा भी नहीं है, बाबा तो 75 में गुजर गए, तो उसके बाद किशोरदा यही बात करते थे कि देखो पंचम, ये आदमी जब चले जाएंगे ना, इस टाइप के एक वैक्यूम हो जाएगा, मतलब इस टाइप के आदमी नहीं मिलेंगे। मतलब सुर के संगीत की बात ही नहीं, मतलब इस टाइप के कैरेक्टर ही नहीं मिलेगा। और इतना सच्चा आदमी, इतना ये, ऑफकोर्स मैं पिताजी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, दादा इस तरीके सही बात, दादा इस तरीके से बात करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद जो दादा ने श्रद्धांजलि जिस तरीके से रेडियो बोलो, जहां पर भी बोलो, उन्होंने दिया, किसी ने उतना ट्रिब्यूट नहीं दिया। बाबू को बहुत धक्का पहुंचा था। पिताजी को जब पैरालिसिस अटैक हुआ, जिस दिन हुआ उस दिन, ये किसी को मालूम नहीं, उस दिन वो आए थे, आके सुबह रिहर्सल किया, बड़ी सुनी सुनी लास्ट सॉन्ग अभिमान, वो गाना उन्होंने रिहर्सल किया, रिहर्सल करके गए, नहीं अभिमान नहीं, लास्ट फिल्म, करेक्ट सही बात। तो वो रिहर्सल किए, रिहर्सल करके जैसे गए 15 मिनट का उनको अटैक आया पैरालिसिस। उसके बाद पिताजी हॉस्पिटल में थे, किशोरदा गए हॉस्पिटल में, किशोरदा ने बोला कि आप कोई चिंता मत कीजिए, परसों आपका रिकॉर्डिंग देखिए कैसा होगा। वो लास्ट गाना बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी मेरा ट्रांसफर दो ना प्लीज, सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है, ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है। ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने देर तक तेरे लिए बचता रहेगा, कोई घा रहा होगा, सो जाएगी ना, चल सो जाए। पिताजी का एक्सीडेंट हुआ करता था, मैं कुछ तबला बजाता था और पिताजी गाते थे, उनसे तो काफी चीजें हमने सीखी है, हम सब लोगों ने सीखे हैं। ऐसा था कि वो म्यूजिक कंपोज जब करते थे उनके कुछ सेट तरीका था, उनमें से एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, तो वो उल्टे बोल बोलते थे। जैसे बंगाली बोलते हैं कि कोटा का छिलो, मतलब कितना किलो था कीमत, तो वो बोलते छोटा का किलो, 6 रुपया उल्टा। इस तरीके से वो गाने को भी ऐसा बनाते थे। पिताजी हमेशा बोला करते थे कि कोई नयापन जो कहते हैं करना हो तो ये सब एक्सपेरिमेंट से करते रहो। मैं ये कहूंगा कि मैं मेरा उस पीरियड में ऐसा हुआ कि मुझे वो पिक्चर मिली और मैंने दीदी के पास गया, जाके कहा कि दीदी ये पहला गाना है तो आपको गाने पड़ेगा, तो कहा क्यों नहीं गाऊंगी। उन दिनों में क्या होता था कि रिहर्सल हुआ करता था, तो वो आए हमारे घर पे रिहर्सल करने के लिए और रिहर्सल में गाना सुन के बहुत आशीर्वाद दी और उन्होंने कहा कि पिताजी से नहीं मिलाओगे। मैंने बोला कि वो दरवाजे पे खड़े हैं दूसरे कमरे में, वो आने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने आवाज दी, दादा अंदर आइए, रूठे हुए रूठे हुए पिताजी आए, आके बोला लता कितना डेट दे सकते हो तुम मुझे, फिर वो ऐसे बात करते थे, आपको जितना डेट चाहिए एक महीना का चाहिए ले लिए। और उसके बाद से फिर पिताजी के साथ लता भाई के अच्छा हो गया। मोहे श्याम रंग दे दे,
तेरे आंचल मेरी दुनिया है ना तेरे आंचल में शीतल छाया तो दुख के जंगल में मेरी दुनिया है ना तेरे पिया तूने क्या पिया रे पिया तूने क्या पिया रे तेरे दिन लागे ना किया तूल क्या किया तू गरी हम है रस के भिखारी हम है प्रेम के पुजारी मेरे मित्रवा